वेलकम स्टूडेंट्स, इस वीडियो सेशन में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 14.3। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इज 28.5, मीडियन हमें यहां से ही दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। और इस टेबल में, जो हमें बुक में टेबल दिया गया है, इसमें दो अननोन्स है, एक्स और वाई, इनका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो मीडियन हमें दिया गया है, मीडियन इज 28.5, और जिस क्लास में मीडियन लाई करेगा वही होगा मीडियन क्लास। अब यहां पे अगर हम क्लासेस देखेंगे, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, हमारा ये जो वैल्यू है 28.5, ये किस क्लास में लाई करेगा, विच एम्प्लाई मीडियन क्लास जो होगा, ये किस क्लास में होगा, किस क्लास में लाई करेगा, मीडियन क्लासेस 20 to 30, क्योंकि ये 28.5 इसी के बीच में होगा। तो डैट मीन्स मीडियन क्लास जो है वो है 20 to 30। तो L का वैल्यू क्या आएगा, L इज इक्वल टू 20, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट L होता है। N का वैल्यू यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, N का वैल्यू दिया गया है 60। ऑल्सो N इज इक्वल टू 60, तो N by 2 का वैल्यू क्या आएगा, विच इम्प्लाई N by 2 इज इक्वल टू 60 by 2 इज इक्वल टू 30। अब हमें निकालना है किसका वैल्यू, हमें निकालना है F का वैल्यू। तो F क्या होता है, F होता है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। ये दो चीजें हैं, एक होता है फ्रीक्वेंसी, एक होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैं अभी F जो बोल रहा हूँ दैट इज फ्रीक्वेंसी ओनली। किसकी फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास कौन सा है इस क्वेश्चन में, ये है मीडियन क्लास, इसको मैं मार्क करके रखता हूं, ये है मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, ये है मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, जिसको हम F से दिखाते हैं, मीन्स F इज 20। उसके बाद फॉर्मूला में एक और चीज आएगा, CF। CF क्या होता है, CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी नहीं होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बट किसकी, जो मीडियन क्लास से पहले क्लास होगा, ऊपर क्लास होगा। मीडियन क्लास के ऊपर कौन सा क्लास है, 10 to 20, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट इज 5 + x। और साथ में हमें निकालना होता है वैल्यू ऑफ एच, वैल्यू ऑफ एच इज क्लास साइज, 30 - 20 कितना हो गया, 10। अब ये सारे वैल्यूज जो हमें यहाँ पे आ गए, इनको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है। फॉर्मूला में यहाँ पे मीडियन की लिखूंगा, मीडियन होता है बराबर L प्लस ब्रैकेट N by 2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F ब्रैकेट क्लोज इनटू H। सारे वैल्यूज जो हमने निकाले वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो L का वैल्यू क्या आ गया था, 20, प्लस N by 2 का वैल्यू क्या आ गया था, 30, माइनस CF का वैल्यू आ गया था 5 + x, डिवाइडेड बाय F का वैल्यू क्या आ गया था, 20, इंटू हाइट का वैल्यू क्या है, 10, हाइट या क्लास साइज। मीडियन का वैल्यू भी हमें दिया गया है, डेट इज 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस, यहां कैंसिलेशन करेंगे, 0 और 0 कैंसिल, ये बनेगा 30 - (+ 5), -(+ -x) और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में 2 है। 20 को ट्रांसफर करेंगे यहां लेफ्ट साइड, ये बनेगा -20, 28.5 - 20 इज इक्वल टू 30 - 5 = 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, विच इम्प्लाई 28.5 - 20 = 8.5 इज इक्वल टू 25 - x डिवाइडेड बाय 2, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8.5 × 2 इज इक्वल टू 25 - x, 8.5 × 2, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16 हो गया, 17.0 इज इक्वल टू 25 - x। तो x का वैल्यू यहां पे निकालेंगे, यहां हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 25 - 17, 25 - 17 कितना होता है, हो गया
दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 25 को माइनस करेंगे 7, दैट इज 8। तो यहां पे फर्दर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 8। तो एक अननोन जो आया x का वैल्यू वो 8 है। अब दूसरा वैल्यू कैसे निकलेगा? अब दूसरा जो वैल्यू है ऑलरेडी हमें पता है, जो क्यूमुलेटिव लास्ट वाला फ्रीक्वेंसी होता है, लास्ट वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये किसके बराबर होता है? n के बराबर होता है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं जो लास्ट वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो यहां पे क्या है, ऑल्सो 45 प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर होता है? n के बराबर। और 45 क्या, x का वैल्यू 8 हमने निकाला, प्लस y इज इक्वल टू n का वैल्यू क्या है, 60 है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे विच इम्प्लाई 45 प्लस 8 कितना होता है, 53 प्लस y इज इक्वल टू 60। तो y का वैल्यू आएगा 60 माइनस 53, y विल बी इक्वल टू 7। तो x का वैल्यू 8 आ गया और y का वैल्यू 7 आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 14.3। थैंक यू।